अभी बच्चे आ गए हैं। यस सर। सवाल देखो, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए तो ड्रम का क्षमता निकालें। अब देखिए कोई ड्रम है, क्या है? कोई ड्रम है। इसका 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए तो ड्रम का क्षमता निकाले। मतलब ड्रम का हमको क्या निकालना है? क्षमता। मतलब ड्रम में कितना दूध आ सकता है वही उसका क्षमता होगा। मान लेते हैं, माना कि मेरा अपनी दुकान, माना कि ड्रम का क्षमता 1 लीटर है। अच्छा, एक्स का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है जी, तो लिखेंगे एक्स का 1/5 भाग, ये हो जाएगा एक्स गुना 1/5, लिखेंगे एक्स बट्टा ये 5 हो जाएगा जी। अच्छा, टोटल दूध कितना है? टोटल दूध नहीं पता, मतलब ड्रम का क्षमता वो हमको पता है, एक्स लीटर है। कितना है? एक्स लीटर। अच्छा, इसको जब पूरा भरेंगे तो उसमें 28 लीटर दूध हमको और चाहिए, अर्थात एक्स 1/5, और इसमें अगर हम 28 लीटर दूध और दे देते हैं तो ड्रम की क्षमता के बराबर हो जाएगा। समझ गए ना, ये ड्रम की क्षमता 1 लीटर है। यदि इसमें हम 28 लीटर दूध डाल देंगे तो यह ड्रम की क्षमता के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका जाति ये है, एक जाति को एक तरफ लाएंगे तो क्या करेंगे, x इसको उस साइड ले जा रहे हैं हम, x माइनस एक्स बट्टे 5 हो जाएगा, और इधर 28 वही जगह पर ही है। Yes. अब दोनों का एलसीएम लो, 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5, 1 से देंगे 5 में भाग, 5 बार में x से गुना करेंगे तो 5x, 5 से देंगे 5 में भाग, 1 मरतब 1 को x से गुना करेंगे x ही होगा, बराबर 28। 5x में से एक x जा रहा है, कितना बचेगा? 4x बट्टा 5, बराबर कितना? 28। अब यहाँ क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें गुना करेंगे, 4x गुना 1 करेंगे 4x होगा जी, 5 गुना 28 करेंगे, 28 गुना 5 हो जाएगा। अच्छा, ये इधर गुना है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? भागा। मतलब हो जाएगा 28 गुना 5 भाग हो जाएगा 4 से, तो x बराबर हो जाएगा 7 बड़ी में कटेगा, ये 7×5 35 लीटर, ये क्या हो जाएगा ड्रम का क्षमता 35 लीटर होगा। ओके।